हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। आप सब स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और हमेशा अपनों, खुद का और अपनी फैमिली का, अपने पार्टनर का ख्याल रखिए। लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। निगेटिव थॉट्स ना लाइए, ठीक है। आप वही मैनिफेस्ट करते हो जो आप सोचते हो, इसलिए अपने आप को हील कीजिए, पॉजिटिव रहिए और बैलेंस में रहिए, ठीक है डियर। तो डियर, मैं यहाँ शॉर्ट सा वीडियो लेकर आई हूँ। मैं ये देखना चाहती हूँ कि सच में आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, कहीं भी उनके दिल में आपके लिए जगह है। तो यहाँ यूनिवर्स से मैं पूछना चाहती हूँ कि जितने मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, क्या उनके पार्टनर उनसे प्यार करते हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं? सच या झूठ आपके पार्टनर का यहाँ निकल कर आ रहा है डियर। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि सच में आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं या झूठा दिखावा करते हैं, ठीक है डियर। तो यहाँ पॉजिटिव होकर वीडियो को सुनना है, ध्यान से रहना। ये ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है, जिसके जो क्रश है उनके लिए भी है, लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है डियर, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करता उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। बट आप लोग पॉजिटिव रहें और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, ठीक है। एक खास बात मुझसे आप लोगों से कहनी है कि मेरे कमेंट में लोग गलत गलत नंबर डाल रहे हैं डियर। प्लीज आप लोग सोच समझकर उन्हें उनसे बात करें। कमेंट में मैं देख रही हूँ कि कमेंट में भी आपसे बात किया जा रहा है, इसलिए मैं आपको पहले गाइड कर देती हूँ। सोच समझकर आप लोग कदम बढ़ाइए, नहीं तो आप लोग कहीं भी फंस सकते हो डियर, ठीक है। ये हमारे नंबर नहीं होते हैं, जो मुझसे प्रश्न सेशन लेते हैं मैं सिर्फ उन्हें ही देती हूँ अपना नंबर। मैं अपने वीडियो में, अपने चैनल पे अपने नंबर को शो नहीं करती हूँ। सब फरेब है, झूठ है, आप लोग को धोखा दिया जा रहा है, आप लोग फंस सकते हो। प्लीज अपने आप पर विश्वास कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए और प्रिकॉशन लेकर चलिए, ठीक है। कमेंट में आप लोग को पूछा जा रहा है, बात किया जा रहा है, प्लीज सोच समझ कर आप आगे कदम बढ़ाए। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आपको सिर्फ मैं गाइड कर रही हूँ, कहीं आप फंस सकते हो बुरी तरह, ठीक है। तो प्लीज जो भी नंबर शो किया जा रहा है, ये परेशानी हम लोग को भी किया जा रहा है, आप लोग को किया जा रहा है, और यहाँ पे आप लोग कहीं भी किसी चीज में आप फंस सकते हो। तो प्लीज प्रिकॉशन लेकर चलना, सोच समझकर कदम बढ़ाना। आपके कमेंट में भी जवाब दिया जाता है, प्लीज आप सोच समझकर अपने हिसाब से बात करना डियर, ठीक है। तो चलिए आप लोग को मैं गाइड कर देती हूँ। मेरा कोई नंबर नहीं है चैनल पर, ना ही मैंने अभी शो किया है, जो मुझसे सेशन लेते हैं बस मैं उन्हीं को ही देती हूँ डियर, ठीक है। तो चलिए, आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स जानते हो कि आपसे सच्चा प्यार है या आपसे झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं। चलिए डियर, मैं आपकी भी थोड़ी एनर्जी सोचती हूँ, देख ही लो डियर, ठीक है। एक कार्ड तो आपके लिए भी निकालूंगी, एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन गाइड कीजिएगा, एंजल्स गाइड कीजिएगा। क्या कार्ड आया देखती हूँ बाद में डियर, ठीक है। ओहो, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड तो अच्छा है डियर, बहुत अच्छी कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट कार्ड आया था, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून और जस्टिस। देखिए देखिए पहले कैसे कैसे कार्ड आया डियर, ठीक है। देखिए डियर, यहाँ पे आपके पर्सन जो हैं, ठीक है, इस वक्त खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, ठीक है। ये खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग भी ये करते हैं डियर, ठीक है। अपने आप में बंधा हुआ फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर हो सकता है आपसे बात ना करें, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही अपसेट हैं, आप अपने आप से भी, अपने लाइफ में भी डियर। तो ये पर्सन अभी अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। उसके बाद जो कार्ड आया डियर, जस्टिस का भी कार्ड आया, ठीक है। तो सबसे पहले कार्ड ही आया था जी जस्टिस का, ठीक है। ये जस्टिस का, वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं डियर, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये इस वक्त दूसरा कार्ड था डियर, कि ये इंसान अभी फंसा हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है, और ये ओवर थिंकिंग भी करते हैं। और यहाँ पे आपके पर्सन चाहते हैं आपको जस्टिस देना डियर, ठीक है, और गॉड यहाँ पे हेल्प भी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी भी आई है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है, और ये गॉड से भी हेल्प मांग रहे हैं, ठीक है, ये गॉड से भी हेल्प मांग रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, एक शुरुआत को लेकर।
तो आपके पार्टनर जो है अभी बंधा हुआ फील महसूस कर रहे हैं, प्यार बहुत आपसे है, जस्टिस आपको देना चाहते हैं, इनके दिल में हमेशा एक दिमाग में, दिलो दिमाग में एक ही बात चलती रहती है, डियर जस्टिस, क्योंकि जो हाल इनकी अभी है, कहीं ना कहीं कुछ इनके ऐसे कर्मा है, ये आपके साथ बुरे कर्म किए हैं या फिर आपको धोखा दिया है, चीट किया है, तो व्हील और फॉर्चून दिखा रहा है डियर कि लक आपका साथ दे रहा है, ये भी आपको सपोर्ट करेंगे, जस्टिस देंगे, लेकिन अभी ये पर्सन इस हाल में है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं ये आपको मिस भी कर रहे हैं डियर, लेकिन ये इंसान जो भी हो आपको प्यार करते हैं, लेकिन जो भी सिचुएशन हो, जो भी सिचुएशन हो, आपको जस्टिस देंगे, और आपके बीच जो खालीपन है, अधूरापन है, ये इंसान आपको पूरा करेंगे डियर। गॉड से प्यार करते हैं आपके पर्सन, ठीक है, और इस कनेक्शन को वो फील कर रहे हैं, ये शुरुआत करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून न्यू बिगनिंग है, न्यू स्टार्ट है, और सारे साइन है इसमें डियर, ठीक है, सारे साइन के लोग हैं, इतने ही कार्ड में सारे साइन के लोग हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस भी कर रहे हैं, जस्टिस भी देना चाहते हैं, न्यू शुरुआत भी करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन ये जहाँ पे है आंख पे पट्टी है, खुद पे बंधा हुआ फील कर रहे हैं, आसपास देख रहे हैं निगेटिविटी है, प्रॉब्लम है, तो ये कहीं ना कहीं खुद को बंधा हुआ फील कर जहां से वो नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन इनके दिल और दिमाग में है कि आपको जस्टिस देना है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून न्यू शुरुआत को भी दिखाता है डियर, गॉड की ब्लेसिंग को भी दिखाता है, यहाँ पे जो बंधा हुआ है तो यहाँ पे दिखा रहा है कि अपने आप को अधूरा फील कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है, और ये आपको बहुत जल्द ये कनेक्ट करेंगे डियर, जो भी सिचुएशन है ये बहुत जल्द आपके तरफ ये बढ़ेंगे डियर। तो 8 नंबर आपके लिए खास हो सकता है डियर, ठीक है, 11 नंबर खास हो सकता है और 10 नंबर खास हो सकता है, 11, 10 और 8 नंबर आपके लिए खास है डियर, ठीक है, क्योंकि यहाँ न्यू शुरुआत दिख रही है डियर, जस्टिस देना चाहते हैं, ये इसमें अकेलापन भी है क्योंकि इस अवस्था में आपके पर्सन है, ठीक है, वहां से निकलकर ये आपको जस्टिस देंगे, न्यू शुरुआत करेंगे डियर, लेकिन यहाँ की जो भी एनर्जी आई है व्हील ऑफ फॉर्चून की आई है तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है डियर, ये निकलकर जस्टिस आपको देंगे, न्यू शुरुआत करेंगे डियर, आप लोग के लिए नंबर हो सकता है खास 8, 11 एंड 10 नंबर, ठीक है डियर। एक कार्ड मैं और देखना चाहती हूँ डियर, देखिए डियर, मैंने मन में सोचा मैं एक आपके लिए कार्ड निकालती हूँ, तो ठीक है, तो जो मैंने आपके लिए कार्ड निकाला ये द मैजिशियन का कार्ड है, ठीक है, यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है, इस एनर्जी में है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखिए डियर, ये भी जो कार्ड है ऑल साइन के लिए, ठीक है, सारे साइन है, इसमें सारे साइन है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप दिलो जहां से आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप में वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है जो आपका पावर बढ़ रहा है मैनिफेस्ट करने का, और आपके पार्टनर भी न्यू शुरुआत चाहते हैं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ आप हो और यहाँ आपके पार्टनर हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मिरर कर रहे हो, ठीक है, तो ये जो दोनों कार्ड है सारे साइन के हैं, सारे साइन इसमें आते हैं, गॉड की ब्लेसिंग है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप में वो ताकत है, वो पावर है, आप में हिम्मत है, जो चीज मैनिफेस्ट करोगे वो पाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है और आपके पार्टनर की भी न्यू शुरुआत की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो न्यू बिगनिंग, तो कहीं ना कहीं डियर देखिए डियर, कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन की भी एनर्जी, 4 ऑफ का कार्ड आया है, तो ये सेलिब्रेशन की है, ठीक है, रियूनियन की है, मैरिज की है, तो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के लिए आप दोनों एक दूसरे के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, तो कहीं ना कहीं डियर मुझे अचानक से लगा मुझे कार्ड उठाना चाहिए डियर, ठीक है, तो मैंने ये कार्ड उठाया, तो देखिए इसमें मैरिज का कार्ड आ रहा है, तो जितने कार्ड आ रहे हैं देखिए आपके पार्टनर इस अवस्था में है, बट ये क्या चाहते हैं पहले आप देख लो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, न्यू बिगनिंग होने वाली, जस्टिस आपके पर्सन देना चाहते हैं, मैरिज सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके पार्टनर, तो इनके एनर्जी जो है आपको लेकर निगेटिव नहीं है, यहाँ पे कोई निगेटिव कार्ड नहीं है, जो भी इनके है जहाँ वो बंधा हुआ फील कर रहे हैं, खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, न्यू शुरुआत चाह रहे हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, न्यू शुरुआत होगी डियर, और ये आपकी मैंने जब एनर्जी निकाली इस कार्ड के
साथ, तो मैंने देखा कि आप बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पावर है जो वो चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो और ये मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ न्यू बिगिनिंग का कार्ड भी आया डियर। कहने का मतलब कि लक साथ दे रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून, तो यहाँ दोनों मिरर भी कर रहे हो, एक दूसरे के लिए प्रेयर प्रार्थना कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से मैरिज करना चाहते हो, एक दोनों लाइफ टाइम तक दोनों जीवन साथी के रूप में पूरी लाइफ जीना चाहते हो। तो मैरिज सेलिब्रेशन सोलमेट की एनर्जी यहाँ दिख रही है डियर। जस्टिस देना चाह रहे, जस्टिस मिलेगा, लक साथ देगा, आपका मैनिफेस्टेशन जो भी पावर है वो पूरा होगा, ये पर्सन यहाँ से निकल कर आएंगे और आपको जस्टिस देंगे डियर, मैरिज कमिटमेंट देंगे, रियूनियन होगी, ऐसी एनर्जी है। तो यहाँ आपके पार्टनर के लिए मैंने ये निकाला कि क्या आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं या धोखा चीटिंग कर रहे हैं आपको, तो यहाँ कोई ऐसी एनर्जी नहीं आ रही है। अभी प्रॉब्लम परेशानी है, आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक होगा डियर। तो ये थी आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, वो आपको सच्चा प्यार करते हैं, धोखा नहीं दे रहे हैं डियर। तो आपको विश्वास पे चढ़ना, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आप में वो पावर है, वो आप करते जाए, बस आपको पेशेंस रखना है, विश्वास रखना है, मैनिफेस्ट करते जाना है और अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, ये चीज आप ही का है डियर। यहाँ से निकलेंगे और ये आपका मैनिफेस्ट होगा और लक आपका साथ देगा, शादी मैरिज कमिटमेंट जस्टिस रीयूनियन सब कुछ होगी डियर। तो ये थी आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, आपको धोखा नहीं दे रहे, आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है डियर। प्रॉब्लम है तो आपको समझना होगा, जस्टिस देने वाले हैं आपके पर्सन डियर। तो देखिए जस्टिस और क्या चाहिए। तो चलिए ये थी आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, नो चीटिंग, ठीक है, ओनली आपसे सिर्फ ट्रू लव करते हैं, प्यार करते हैं डियर। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाए डियर। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।